दोस्तों, आप सभी टीवी के सबसे दमदार और हैंडसम एक्टर विवेक डिसेना को तो अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने मधुबाला एक इश्क एक जुनून सीरियल में आर के बनकर सभी के दिलों पर राज किया और सभी दर्शकों के फेवरेट बन गए, जिन्हें हर कोई देखना काफी पसंद करता है। लेकिन दोस्तों, आप टीवी के मशहूर अभिनेता विवेक डिसेना की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, पर क्या आप इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं कि सभी का दिल जीतने वाले इस अभिनेता का दिल एक मशहूर अभिनेत्री ने तोड़ दिया। जी हाँ, एक मशहूर अभिनेत्री के हाथों ये अपना दिल तोड़वा बैठे हैं, इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको उसी अभिनेत्री से रूबरू कराएंगे। साल 2008 में कसम से सीरियल से अपने सपनों की शुरुआत करने वाले अभिनेता विवेक डिसेना इस शो के बाद एक से बढ़कर एक शो में काम करके आज काफी ज्यादा पॉपुलरिटी गेन कर चुके हैं। तो वहीं अगर बात की जाए उस अभिनेत्री की जिन्होंने इनके सच्चे प्यार में धोखा दिया और इनका दिल तोड़ दिया, तो वो अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस वहाबीज दोराबजी है, जिनसे इनकी पहली मुलाकात इनके शो प्यार की ये कहानी के दौरान हुई थी, जहां शो में विवेक डिसेना अभय रायचंद्र की भूमिका निभाते हुए हमें नजर आए। वहीं वहाबीज दोराबजी पंछी की भूमिका निभाते हुए नजर आई थी और इसी शो में काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए, जहां बाद में मुलाकात ही मुलाकातों में एक दूसरे से बात किए बिना खुद को रोक नहीं पाए, जिसके चलते यहीं से शुरू हुई इन दोनों की प्रेम कहानी, जहां इन दोनों को शो के अलावा कई बार एक दूसरे के साथ हैंग आउट करते हुए भी देखा जाने लगा, जिसके बाद करीब 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को शादी के पवित्र बंधन में बांधने का फैसला लिया और साल 2013 में एक दूसरे से शादी करके अपना घर बसा लिया। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद दोनों का रिश्ता खराब होने लगा, क्योंकि इनकी पत्नी अभिनेत्री वहाबीज दोराबजी का नाम अभिनेता विपुल रॉय के साथ जुड़ने लगा, जहां इन सब बातों की पुष्टि खुद अभिनेता विवेक डिसेना ने की। उन्होंने बताया कि शादीशुदा होने के बावजूद इनके वाइफ का विपुल रॉय के साथ रिलेशनशिप में रहना गलत था, जिसके साथ अभिनेत्री वहाबीज इतनी ज्यादा क्लोज हो गई कि अभिनेता विपुल के लिए उन्होंने अपनी शादी को खत्म करने का फैसला ले लिया और साल 2017 में तलाक लेकर विवेक डिसेना से अलग हो गई। इसके चलते ही वहाबीज ने विवेक डिसेना को प्यार में धोखा दे दिया। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है अभिनेता विवेक डिसेना और उनकी पत्नी के रिलेशनशिप को लेकर? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।